आज दुनिया में सभी लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत तो करते हैं। जैसे कई लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके लिए सुंदरता का मतलब कुछ और ही होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी जनजाति की बात करेंगे जो बड़े होठों को अपनी सुंदरता की निशानी मानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इथियोपिया में रहने वाले मुसी और सुरी जनजाति की। इस समुदाय में लड़की जब 15 से 16 साल की होती है तब उनके मुंह के नीचे के दो दांत निकाल दिए जाते हैं और फिर निचले होठ में 1 से 2 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाया जाता है। फिर इस घाव को ठीक करने के लिए उसमें एक लकड़ी की छड़ी डाली जाती है जिसे ठीक होने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसके बाद इसमें लकड़ी या मिट्टी की बनी प्लेट लगाई जाती है और धीरे धीरे ये प्लेट की साइज बढ़ाई जाती है, जैसे 2 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। और ये पूरी प्रोसेस के दौरान महिलाओं को शुरू के 2 से 3 महीने तक काफी दर्द सहना पड़ता है और उनके लिए लिप प्लेट लगा के बात करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो खाते और सोते टाइम इसे निकाल देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह ट्रेडिशन महिलाओं को